हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म के जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कवीन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कवीन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु, जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है, अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है। हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए।
रीनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे
वीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औच्चिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत
वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कवीन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कवीन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्टों में वापस चली जाती है।
गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तराधिकारी द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिनी के क्रुश के रूप में कविन और हरिनी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IIT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिनी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित
करने का प्रयास करती हुई खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। रीनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम
लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरुन अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन है, लेकिन एक नई एचआर मैनेजर हरिनी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे वीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिनी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिनी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिनी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिनी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिनी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू
22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कवीन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कवीन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IIT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी
धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का
सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। रिनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और
तारा की मंगेतर, बालाजी, वेणु गोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरु प्रसाद चेन्नई की एक आईटी कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई एचआर मैनेजर हरिनी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे वीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिनी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिनी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिनी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिनी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिनी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19
महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे।
गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है।
बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR
मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में, एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व टीएल और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक आईटी कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई एचआर मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे वीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन
को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कवीन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कवीन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है।
गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशीभूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु, जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है, अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है। हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई
असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिणी वशीभूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था।
बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्टों में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है।
इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु, जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है, अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है। हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश
पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्टों में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु, जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को
छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। रिनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिनी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिनी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिनी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिनी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिनी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है।
इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्टों में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा
लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तराधिकारियों द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। तो बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिनी के क्रुश के रूप में कविन और हरिनी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिनी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट
देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। रीनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्टों में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआरका के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन है लेकिन एक
नई एचआर मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे वीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्टों में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिससे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था।
लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कवीन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कवीन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिणी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिणी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। शुरू में उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिणी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिणी ने खुलासा किया कि VP के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी
आग लगा देता है। गुरु अरिनी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तराधिकारियों द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृता अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिनी के क्रुश के रूप में कविन और हरिनी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो गुरुप्रसाद चेन्नई की एक IT कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं लेकिन एक नई HR मैनेजर हरिनी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे VP द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं।
उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। रीनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है लेकिन हरिणी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिणी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिणी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिणी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिणी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिणी गिरने से बच जाती है लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। लिफ्ट एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे विनीत वरप्रसाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में कविन अमृताम अय्यर और गायत्री रेड्डी है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षण मुख्य कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो गुरुप्रसाद गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट के TL और हरिणी के क्रुश के रूप में कविन और हरिणी के रूप में अमृता अय्यर, अमराख की HR मैनेजर और गुरु की प्रेमिका, गायत्री रेड्डी तारा के रूप में एम राख के रूप पूर्व मानव संसाधन प्रबंधन और सुंदर की मंगेतर, सुंदर के रूप में किरण कोंडा, डेल्टा प्रोजेक्ट के रूप पूर्व TL और तारा की मंगेतर, बालाजी वेणुगोपाल एमआर का के उपाध्यक्ष के नियुक्त है।
बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो गुरु प्रसाद चेन्नई की एक आईटी कंपनी अमराख में एक टीम लीडर के रूप में शामिल हुई। गुरु अपनी टीम के सदस्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन एक नई एचआर मैनेजर हरिनी की दिलचस्पी जगता है। कार्य दिवस के अंत में गुरु जिसे वीपी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है और कई सुरक्षा गार्डों को छोड़कर हर कोई चला जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद गुरु लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और वह एक औद्योगिक मंजिल पर पहुंच जाता है। वह कई असाधारण घटनाओं का सामना करता है और बाद में एक सुरक्षा गार्ड को अपना गला काटकर आत्महत्या करते हुए देखता है। भयभीत गुरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार विफल हो जाता है। बाद में उसका सामना हरिनी से होता है, जिसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया है। गुरु में शुरू में उसे गुरु पर उसे अंतर बंद करने का संदेह था, लेकिन लिफ्ट में असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसने अपना मन बदल दिया। हरिनी और गुरु मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। उनका सामना एक और सुरक्षा गार्ड से होता है, जो बाद में उनकी पहचान सत्यापित करने का प्रयास करते हुए खुद को फांसी लगा लेता है। इस जोड़े ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों कार्यालय भवन में आग लगने से मर गए। हरिनी ने खुलासा किया कि वीपी के आदेश पर कई पुरानी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश के बाद उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया गया था। असाधारण घटनाओं के साथ कई मुठभेड़ों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमारत में एक नहीं बल्कि दो भूत है। गुरु जीवित रहने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन हरिनी वशी भूत को हो जाती है। भूत गुरु को ताना मारता है और उसे बताता है कि वह और हरिनी दोनों उस रात आग में मर जाएंगे। गुरु को एहसास होता है कि भूत केवल तभी उन पर कब्जा कर सकते हैं जब वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो और एक नशीली दवा के साथ सिगरेट पीते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हरिनी भी धुआं अंदर ले लेती है। इसके साथ भूत अब हरिनी पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में गुरु रिकॉर्ड रूम में भी आग लगा देता है। गुरु हरिनी को बचाता है और जोड़ी लिफ्ट में वापस चली जाती है। गुरु ने पहले लिफ्ट के तारों को आंशिक रूप से काट दिया था और लिफ्ट को गिराने के लिए यह जोड़ा लिफ्ट में ऊपर नीचे कूदता था। हरिनी गिरने से बच जाती है, लेकिन गुरु गंभीर रूप से घायल हो जाती है और लगभग मर जाता है। इस जोड़े को आपातकालीन उत्तरदायित्व द्वारा बचाया गया है। बाकी की स्टोरी के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म परियोजना की घोषणा नवोदित निर्देशक विनीत वरप्रसाद ने की। कविन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया था और उन्होंने बिग बॉस तमिल के सितारे सीजन से बाहर निकलने के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले फिर 20 दिनों के भीतर पूरी की गई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुआ था।
बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक एल्बम में दो गाने हैं। पहला एकल शीर्षक इन माइलू 22 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था और यह तुरंत हिट हो गया था, जिसे यूट्यूब पर 30 मिलियन बार देखा गया था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।